कल एक्चुअली पूरी बनी थी ना, वो खीर बनी थी, पूरी बनी थी, और उसी का ही थोड़ा सा आटा रखा हुआ था गन्नों को। कल पूरी बड़ी अच्छी लगी थी, मैंने कहा चलो ठीक है आज भी बन जाएंगी। ये क्या लगा? अच्छा जबे लगी है ये इसमें, और ये पूरी चाय के साथ, अभी मैं चाय के साथ पूरी खा लूंगी। जबे तुम्हारे भैया बनवाए, भैया जाने हमें क्या मतलब है जबे का? क्या हुआ, फंस गया पानी दे तुरंत? तुम्हारा वीडियो शूट ना करें क्यों भाई? कॉपीराइट दोगे क्या मुझे? चुप हो जा। इसके अंदर सारे गुण है, लड़के वालों भी लड़कियों वाले भी। देखो लड़के वाला गुण मैं बता दूं, दिन भर पूरा घर बिखरा के रखना, ऊट पटांग हरकते करना, बाकी सारी चीजें करना, ये है इसके लड़के वाले गुण, ठीक है? एक बात नहीं सुनना हमारी, जब तक की मार ना खाए तब तक सुधरता नहीं है। और लड़की वाले गुण छोटू, लड़की वाले गुण बात बात पे नाराज हो जाना, ठीक है? और लड़कियों की तरह ही बात होनी है, इतनी बातें करता है कि रात में इसको हमें डांटना पड़ता है कि अब बस चुप हो जा। ये देखो, और ये जब तक मैं डांटू ना चिल्लाऊ ना, ना मुझे दवा देते हैं ना हिरम को दवा देते हैं। दवा पिलाई, वही तो आपका काम है ना, एक ही काम तो आपको दिया है, बाकी सारे काम तो मैं खुद कर ही लेती हूँ। लो आज खत्म ना मेरी दवा, कल चलना पड़ेगा डॉक्टर के पास। दो ही दे रहे हो, दो ही है क्या सुबह की? तो ये दो गोली हो गई मेरी, एक सफेद और एक पिंक। और ये देखो इतना तब से काम आ गया था, करते 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 अब जाके खाने, गरम कर लो इसको थोड़ा सा, एक सेकंड। यही तो मैं बोलने जा रही थी बस, कि इनको खुश करने का सिर्फ एक तरीका है, चाय पिला दो। क्यों ऑफिस की तरह तो मेरे साथ बिहेव करते हो, पता है 7-8 हज़ार सैलरी तो मेरी बनती है एज ए प्यून की, जो ऑफिस टाइम है। हाँ तो एज ए प्यून की मेरी सैलरी बनती है, या तो ऑफिस वालों से बोलो बीवियों को सैलरी दे, या तो तुम लोग दो सैलरी। भाई ऑफिस का पूरा काम तुम्हारा, ऑफिस साफ करना, तुम्हें चाय पिलाना, पानी पिलाना, सैलरी देते बहुत है। प्यून की सैलरी निकलवाओ, नहीं तो हम बीबियां अनशन में पड़ जाएंगी। अब ये क्या है आपकी सैलरी? आज की सैलरी अगर ऐसी मुझे 200 रुपए मिले तो 6,000 रुपए महीना हो जाएगा यार, नॉट बैड। चलो अच्छा हटो, ये रूम सही कर दें थोड़ा। चाय, चलो चाय पिला दूं, मैं दवाई खा लेती हूँ। हंग्री है, पूरी दे। हाँ हाँ चलो ला रही हूँ पूरी साथ कुछ और, ठीक है सब्जी दे रहे हैं तुम्हें। ये कभी कभी ना खाली पूरी नहीं खाना पसंद करता, इसको पूरी के साथ सब्जी अच्छी लगती है। और हम लोग जिस काम से गए थे वो हम लोगों का हो गया है। नाउ यू आर हैप्पी? कितने बहुत खुशी दिख तो रही है, बताएंगे नहीं लेकिन। अरे बताओ मत, लेकिन तुम खुश हो कि नहीं हो, मैं ये पूछ रहा हूँ। दिखाऊंगा भी नहीं क्या खुशी? ये देखो तो गन्नू को जाते जाते आपको पता ही है नारियल पानी पीना था, तो नारियल पानी पिया गया। उसके साथ ही मलाई, और मुझे ये मलाई बहुत पसंद आती है। ये जो नारियल बन, एक ही फोड़ा है अभी, उसी काट दो। नहीं नहीं तो पूछ रही हूँ, और मुझे वो ना बहुत पसंद आता है, तो मैं बस खाने जा रही हूँ। काट ही देता, दो दिन हो गए ना उसको। हाँ तो मुझे लगा तुम इकट्ठे काट ही रहे हो, जो कर ही रहे हो तो कर ही दो। मोटी मलाई नहीं है इसकी, मोटी जी जी अभी वाला है ना। जय माता, आराम से बाका। ये इसीलिए लेके आए थे इसको काटने के लिए नारियल, क्योंकि आपको याद है। ए, टाइल्स टूट जाएगा छोटू, इसका मजबूत नहीं है तो ठीक ठाक। लेकिन इसमें ज्यादा है वो, ज्यादा मोटी ये पतली में। मुझे मलाई बहुत पसंद है ये, फायदा भी करेगी खा। फायदा भी करती है। खाना क्या बना मैंने आपको दिखा दिया, अब जा रही हूँ मैं सब्जी रोटी सब्जी पूरी इसको खिलाती हूँ, ये भी खा लेंगे। और अब मैं जा रही हूँ सोऊंगी, क्योंकि मेरा सर है ना यहाँ से यहाँ पूरा घूम रहा है। परसों का वीडियो मैंने एडिट करके रखा है, उसे जो भी मैं पब्लिश नहीं कर पाई हूँ, और लोग कहते हैं कि व्यूज और पैसे के लिए पागल हूँ। कभी मेरे आगे मेरा फीड चेक करो, दो दो दिन वीडियोज बने रखे रहते हैं और मैं पब्लिश नहीं कर पाती। शॉर्ट वीडियोज इतने सारे बने रखे बट मैं पब्लिश नहीं कर पा रही हूँ, सिर्फ क्यों? क्योंकि मेरे लिए हमेशा से वो सेकेंडरी रहा है। मेरा कभी हुआ ही नहीं कि मैं एक दिन में 4-4 वीडियोस डाल लूं, खूब व्यूज आ जाए, खूब पैसा आ जाए। ये बात आपको भी पता है, यूट्यूब पे जितने लोग काम कर रहे हैं
कोई समाज सेवा नहीं कर रहा है, हर कोई सिर्फ और सिर्फ कमाने के लिए यहाँ बैठा है, हर कोई सिर्फ और सिर्फ कमा ही रहा है। ये सच जितनी जल्दी सबके दिमाग में चला गया, मैंने शुरू से ही बोल रखा है, हर कोई यहाँ कमाने के लिए बैठा, बहुत जितना फैमिली फैमिली, लेकिन एंड ऑफ द डे कमाने के लिए हर एक इंसान बैठा है। पैसा नहीं मिलेगा तो आदमी मेहनत क्यों करेगा? क्यों करेगा भाई, मेहनत क्यों करेगा? आप ही होगी, आपसे कोई रोज बोले यहाँ से वहां तक तुम्हें रोज जाना है, रोज जाना है, लेकिन अगर कोई बोले आपको आपको रोज जाना और हम आपको 1000 रुपए देंगे तो आप खुशी खुशी जाओगे। और जब व्यूज कम आते हैं तो हमारा ना मॉरल बहुत डाउन हो जाता है। फिर अगर अभी कोई आपसे बोले आपको वहां तक जाना है, नाचते हुए जाना है, हम सिर्फ 50 रुपए देंगे, लेकिन दूसरा इंसान को वहीं तक ऐसे नॉर्मल चल के जाने का भी अगर 10,000 रुपए मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा मेहनत हम बराबर कर रहे हैं, उनसे कहीं ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ नहीं मिल रहा, सामने वाले को मिल रहा है। ये एक नॉर्मल सी चीज है जो लगती है, तो यार समय समय की बात है, ठीक है, कोई नहीं, बट मैं इस चीजों से बहुत अलग हो गई हूँ। अगर कुछ लोग कहेंगे व्यूज के लिए करती है इसके लिए, तो कभी नहीं किया मैंने आज तक, कभी भी आज तक कंटेंट के लिए कुछ भी नहीं किया है। इस चीज के लिए तो मैं मतलब खड़े होके गंगा जी में मैं खड़ी हो जाऊँ ना, मैं वहां पे भी बोल दूंगी सच कि मैंने आज तक व्यूज के लिए कॉन्टेंट के लिए कभी कुछ करा ही नहीं। मेरी जो नॉर्मल जिंदगी चलती गई वो मैं चलाती गई, कभी अच्छी गई, कभी बुरी गई, कभी बहुत तहस नहस गई, कभी बहुत टॉप ऑफ द वर्ल्ड गई, जो गई वो आप लोगों के सामने थी। बस ये लो वो वाली दे दो, वो मैं पहले खा लूं। ये वाली? हाँ हाँ, वो ज्यादा मुलायम है ना, इसको रख दो, इसको मैं शाम में खाऊंगी, ठीक है। तो ये वाला ब्लॉग मैं पेंट करती हूँ, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसके बाद मैं शाम में ब्लॉग शुरू करूंगी, अभी मैं जा रही हूँ खाना खा के थोड़ी देर सोने। आई होप आपको आज का वीडियो हमारा पसंद आया होगा। तो हमारी डेली फैमिली ब्लॉगिंग आपको पसंद आ रही है तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, फॉलो करिए, और मेरे लिए लाइक करिए, पति के लिए नहीं। अच्छा ठीक है, आज लिख के लाइक करिए कौन किसके लिए लाइक कर रहा है, कमेंट पे सब लोग बता कर लिखना, ठीक है, कौन सी लाइक मेरे लिए, कौन सा लाइक इनके लिए, अपना लाइक करके साथ में कमेंट करिए किसके लिए। बहुत बड़ा चोर है यार, देखता हूँ मैं कितने कमेंट किसके लिए आते हैं। हेलो हाय, कैसे हैं आप सब लोग? तो बस हम आए थे काम से भी बाहर, एक्सक्यूज मी, और ये बस मेरी दवा लेने के लिए गए हुए हैं, और अभी हम बस डॉक्टर से मिल के ही आए हैं, अभी बस घर की तरफ जा रहे थे। और आपको पता है कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ मेरा लगा ही रहता है, थोड़ा सा स्मूथ इतना चलता नहीं है, बट ठीक है, कोई बात नहीं है, तो ये पीछे बहुत शैतानी कर रहे हैं। तो और टाइम 8 बज चुका है, तो चाभी मैं घर पे रख के आ गई थी, भूली गई तो अपना बना देती है खाना। तो मैं फोन, मतलब फोन कर दिया उसने, मैंने बोल दिया क्या बनना था, मैंने बता दिया, तो उसने खाना वाना बना दिया था। स्टॉप बेटा, तुम्हारा वीडियो शूट हम क्यों करेंगे यार, अभी कभी ना अकेले के चक्कर में ना बहुत शैतानी कर रहे हैं। तो बस अभी हम ले लेते हैं, अभी ये भी डिसाइड नहीं कहाँ जाना है, क्या करना है, एक इंजेक्शन लगवाना है बस मुझे, उसी के लिए बस इंजेक्शन यहीं से ले रहे थे क्योंकि यहीं पास में इंजेक्शन मिलेगा। मेरे को इतनी वो लग रही है कि मतलब क्या बताऊं मैं, जिस चीज से आप जितना डरते हो ना वो भगवान आपके सामने ऐसा खड़ा करके रख देता है। मैं चलो ठीक है चलते हैं, तो इंजेक्शन देखते हैं कहाँ लगवाएंगे, हो सकता है अपने घर के पास लगवा लें, तो मेरे वाले डॉक्टर हैं वहाँ लगवा लें, वही डिपेंड करता है क्योंकि हम ना इधर गोमती नगर की तरफ आए हैं, हमारी डॉक्टर जो बैठती हैं वो बैठते हैं, जो इंदिरा नगर में बैठते हैं, एक हमारे सामने भाभी हैं वो भी लगा देती हैं, लास्ट टाइम तो मैंने अभी लगवाना था तो भाभी से लगवा दिया था, तो अभी देखते हैं तो भाभी से लगवा देंगे। नो तुम बहुत शैतान हो, पहले सॉरी बोलो मम्मा को, क्योंकि तुम शैतानी कर रहे थे इसलिए। पहले वीडियो शूट करे फिर बोलोगे, बोलो चलो। ये कर क्या रहे? हाँ मेरा पैर सो गया हिरम, बस यार यही सब है जीवन के कष्ट। हाँ तो कर ही रहे हैं ना, खाई तो कल ज्यादा व्लॉग शूट नहीं किया था, आज सुबह से बहुत काम हो गया था इसलिए कोई ब्लॉग शूट नहीं किया, तो कि आज हमारे पूरे घर की काया पलट हो रखी है, जो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, इस वाले ब्लॉग में नहीं दिखाने वाली हूँ। इसीलिए पता है जूली, ये मैं और सब ने मिलकर आज बहुत सारा काम किया, ठीक है। तो इसीलिए वैसे आज बनने वाला था बैंगन का भरता, मेरा खाने का बहुत मन कर रहा था बैंगन का भरता और पराठे के साथ में, लेकिन क्या हुआ ना कि फिर जूली भी थक गई थी ऑब्वियसली यार, फिर कहीं नहीं जूली मैं बना दूंगी, मेरे कहा नहीं यार रहेंगे, मैं एक काम करते हम खिचड़ी खा लेते, तो इसलिए आज हम खा रहे हैं खिचड़ी। और खिचड़ी जो हम खाते हैं बिल्कुल सादी वाली खिचड़ी होती है, जो
क्या बोलते हैं अरहर के उसकी उर्द की दाल और चावल, और आज मेरे मियाँ जी ने बहुत काम किया है, गुड, काफी काम करा दिया मेरा, ठीक है। तो जितना यार कर पाया उतना कर लिया, और इस बार ये ना ये छोटे वाले केले लेके आए, पता है छोटे तुम यही लाया करो, ये बड़े अच्छे लगते हैं यार, पता नहीं क्यों यार, मैं तुम्हें छोटी बोल छोटू बोलती हूँ, सब कमेंट में कहने लगते हैं छोटू छोटू क्यों बोलती हूँ, छोटू बोलती गन्नू पापा बोला क्या बोला करो, गन्नू के पापा, ठीक है, गन्नू के पापा केला लेके आए थे बहुत अच्छे थे, ठीक है, मैं गन्नू के पापा बोला करूँगी, ठीक है। और आजकल इनको ना ये देखो धनिया बहुत अच्छी लगने लगी है सैलड में, इसे उन्होंने बड़ा ले लो बाबू, गन्नू के पापा बड़ा ले लो थोड़ा, है गन्नू के पापा, छोटा ज्यादा सैलड हो गया, और इस टाइम मुझे सैलड इतना पसंद, खाने के लिए ले रहा था, और हाँ ये वाला थोड़ा बड़ा है, वो छोटा है, तो मुझे आज का सैलड बहुत पसंद आता है, तो मैं भैया अपना जम के सैलड खाती हूँ, और इसी के साथ ही आजकल धनिया इसलिए इसमें काटते हैं क्योंकि धनिया से क्या होता है ना शुगर बैलेंस रहता है, तो इसलिए कहते हैं वैसे कच्ची धनिया खाओगे तो आप खा नहीं सकते हो, तो इसलिए सैलड में काट देते हैं धनिया, और सैलड में धनिया कटी हुई बहुत अच्छी भी लगती है, दही भी है, और मेरा घर पूरा साफ हो गया है, नेक्स्ट ब्लॉग में आपको लोग दिखाऊंगी कितना साफ हो गया है मेरा घर, और यस इधर ही मतलब बोलते रहते हैं बहुत कम ब्लॉग, मतलब ये कहते हैं मत बनाओ ब्लॉग, कोई बात नहीं है मत करो काम, इसलिए आपने देखा होगा कि मैं एक एक दिन पे ही मेरा मुश्किल से एक ब्लॉग आ पाता है, नहीं तो वो भी नहीं आता है, समटाइम्स किसी की जीप खड़ी है तो समटाइम्स मेरा वो भी नहीं आता है, क्योंकि इनका यही है नहीं तुम अभी आराम करो, ब्लॉग बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करो तुम आराम करो, कोई बात नहीं है, ब्लॉगिंग हो गया जो जितना करना हो गया, जब ठीक लगेगा तब करना, अभी कोई ज़रूरी नहीं है, तो इसीलिए आपने देखा होगा ना समटाइम्स ऐसा होता है कि जब थोड़ा रिलैक्स हो जाता है ना इंसान तो मैं ठीक है, तो रिलैक्स हो के ब्लॉगिंग कर रही हूँ, इसीलिए ज़्यादा ये नहीं है कि मुझे करना है करना है, ओ वाह खिचड़ी पापा खिचड़ी, और ये इनकी खिचड़ी फेवरेट है, धीरे धीरे मैंने भी खाना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे घर पर खिचड़ी कभी नहीं बनती थी ये वाली, किसी को पसंद नहीं थी, ठीक है, और अब धीरे धीरे गन्नू की भी खिचड़ी वाली फेवरेट हो गई है, क्यों अब गन्नू भी खा लेते हो, गन्नू सो गया है क्योंकि सुबह बहुत जल्दी उठ गया था, इसीलिए वो भी सफाई में जानते हो योगदान पूरा दिया था उसने, तो अभी वो सो रहा है, हो गया उसको एक डेढ़ घंटा, बहुत गहरी नींद में सो रहा है, और बस, और मैं इतना कमर ऐसी दर्द हो गई थी, मैं लेट गई थी, मैंने कहा खिचड़ी तो चूली चढ़ाती गई थी, अब मैं देखने वाली तुम जाओ सैलड काटो और काम कर, मैं अब नहीं उठ रही, अरे खिचड़ी का योगदान देखो जरा, ये निकाल के फिजूली धो धा के प्रॉपर रखी है, फिजूली का उसमें पानी इन्होंने डाला, नमक इन्होंने डाला, मतलब क्या था ये, हाँ तो ऐसे निकाल के मैंने दिया धोया है, सिर्फ उतना योगदान है, अरे तो ठीक है बेचारी करी है, इनकी जुली की इतनी लड़ाई होती है, इतनी लड़ाई होती है भाई बहनों की मैं बता नहीं सकती, लेकिन एक बात हो गई, जुली को ये भी बहुत प्यार करते हैं, मैं भी बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि हमारी नहीं बच्चे जैसी है आराम से, इतना आज इतनी डांट भी खाई है ना, आप सोचो इसने पूरा किचन साफ कर दिया नीचे से लेके ऊपर तक, मैं बार बार मैंने कहा रुक जा कल कर देना, इकट्ठे क्यों लड़की हो, ये क्रॉकरी रैक से लेके सब उसने आज ही साफ कर दिया, कह जी दीदी अब दो दिन हम मेहंदी लगाएंगे क्योंकि दो दिन है करवा जाओ, हमने कहा ठीक है बेटा, मेरे को उलझन होती, मैं कहा यार बेचारी, फिर मैंने भी फिर लग गए काम में, हमने कहा चलो थोड़ा थोड़ा बच्चों का काम करा ही देते हैं, चलो हो गई हमारी खिचड़ी तैयार, इसमें रखो अचार और सैलेड, मैं खाऊंगी अचार क्यों थोड़ा सा, चलो तो ये देखो ये हमारी डिलीशियस वाली खिचड़ी बनके तैयार हो गई है, और अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, आई होप आपको हमारा ये छोटा सा प्यारा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा, सब लोग को बोलो बाय, बाल बचा के बाय, कोई खाने में जा रहा है, सही में जा रहा है, इतना लंबा हो गया है क्या, मुझे तो नहीं लग रहा था।